चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा, तमाम एजेंसियां रिपोर्ट दें किस तरह ये सब कुछ हो रहा है। मेरे मुताबिक ये नस्ल खुशी है जिस पर मुझे सुओ मोटो नोटिस लेना पड़ा। For Quetta's Hazaras, fear has become a part of life. For years, they've been living in heavily guarded enclaves, surrounded by checkpoints and hundreds of guards. देखिए, क्वारंटीन और आइसोलेशन में रहना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम गुज़श्ता 20 सालों से क्वारंटीन में हैं। कोरोना की वबा फैलने के बाद अब तो हमें दो महाजों पर बयक वक्त लड़ना पड़ रहा है। एक जानिब हम अपने प्यारों को इस बीमारी से बचाने की तरकीबें कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब तासुब पर मबनी उन रवैयों का भी मुकाबला कर रहे हैं जो हमें कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार करार देकर हमें मजीद तनहाई में धकेल रहे हैं। जाबिर भाई, हम लोगों का आईजी साहब ने ऑर्डर जारी किया है, दो हफ्ते के लिए हजारों को छुट्टी दे दी है, समझ गए। तो हजारों में ये बीमारी फैला हुआ है, चार केस चला है रात को। फिर क्यों हम लोग दफ्तर में घूम रहे? लोग हम लोगों के दफ्तरों में सरे हम घूम रहे यार। यार बस ये लोग ईरान जाते हैं ना, ईरान से लोग बीमारी लेके आते लोग अभी भी हमारे दफ्तर में घूम रहे आस पास। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक कॉल है, ऑलमोस्ट ऑलवेज द क्रिएटिव डेडिकेटेड माइनॉरिटी हैज़ मेड द वर्ल्ड बेटर। इसी कॉल के मिसदाक शिया और हज़ारा कम्युनिटी के भी मुख्तलिफ तबकात COVID-19 से मुकाबला करने के लिए अपने अपने क्रिएटिव सॉल्यूशंस के साथ मैदान में उतरे हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह हमारे मुख्तलिफ तबकात, रिटायर्ड डॉक्टर से लेके आर्टिस्ट तक, बल्कि नौजवान स्टूडेंट्स, इस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए हुकूमत और आवाम का साथ दे रहे हैं। मार्च के महीने में सैकड़ों ज़ायरीन क्वारंटीनिया में थे। सहूलियात की शदीद फ़ुकदान की वजह से बच्चों और औरतों को बेपनाह मुश्किलात का सामना था। इन हालात में मैं और दी वॉलंटियर टीम के 35 मेंबरान क्वारंटीनिया में इन खानदानों की मदद के लिए रजाकाराना तौर पर काम करने लगे। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मुख्यर हजरात के ताउन से हम अद्वियात और ज़रूरियात की दूसरी अशिया इनके लिए फराहम करते थे। इससे ज़ायरीन की मुश्किलात में कमी हुई, इन्हें हौसला मिला और हुकूमत के साथ ताउन में खातिरख्वाह इजाफा हुआ। मियागुंडी में 465 ज़ायरीन और शेख ज़ायद हॉस्पिटल में कोरोना से मुतासिर 90 अफराद की खिदमत के अलावा लॉकडाउन के दिनों में हमने 450 के करीब ज़रूरतमंद ख़ानदानों में राशन भी तकसीम की। रिच ज़ोन का बुनियादी मकसद किताबी कल्चर को फ़रोग देना है। हमारे पास 1200 से ज़ायद किताबें मौजूद हैं, तकरीबन 250 से ज़ायद यूज़र्स हैं जिनमें 150 कॉन्स्टेंट यूज़र्स हैं। लॉकडाउन के इस बहरानी दौर में रीडर्स जोन ने अपनी सर्विस मज़ीद तेज़ी से जारी रखा, नतीजतन हमारे यूज़र्स में 50% का इजाफा हुआ। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हम लोग काम करते हैं जो कि ब्रेकिंग बैरियर्स वुमेन के नाम से हैं। मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की सब में, उसके अलावा उसके बाद हमने एक अवेयरनेस के लिए लोगों तक एक कैंपेन चलाई थ्रू पेंटिंग्स। हमने ऑनलाइन जो है हमने एक एग्जीबिशन करवाई, पाकिस्तान के डिफरेंट जो सिटीज़ है उसमें से भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अपनी पेंटिंग्स हमें ऑनलाइन उन्होंने भेजी। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिसे हम कहते हैं ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर, तो उसके बारे में मैंने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया इसी तरह कंट्रीब्यूट करके लोगों से। तो उनको मैंने खुद उनके घर घर जाके उनके एरियाज में जाके मैंने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। हज़ारा स्टूडेंट नेटवर्क ने अपने प्लेटफॉर्म से एक ऐसे कंपटीशन कंडक्ट किया जिसमें 24 पार्टिसिपेंट्स थे और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन होल्डर्स के लिए कैश प्राइजेस भी रखे गए थे। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस और सेशंस भी शामिल है मुख्तलिफ सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि इकनॉमिक्स, उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, साइबर सिक्योरिटी, लॉ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और ए और ओ लेवल गाइडलाइंस। महा है और मैं अपने 20-25 साथियों के साथ इस प्रोजेक्ट में काम कर रही थी।
हम सब कोयटा के स्टूडेंट हैं। इस कोविड 19 में हमारा जंग महज मिस इंफॉर्मेशन और गलत अफवाहों के खिलाफ जंग थी। इस पेंटिंग के ज़रिए हम डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हीरो को हम सलूट पेश करते हैं। इस ऑनलाइन क्लिनिक का सबसे बड़ा फ़ायदा यही हुआ कि जो एसोसिएटेड जो नॉर्मल दूसरे क्रॉनिक टाइप के डिजीज़ हैं जिसमें कि एक्यूट इमरजेंसी नहीं है, लोगों को तकलीफ़ होती है, लोगों ने ब्लड प्रेशर के बारे में, लोगों ने डायबिटीज़ के बारे में, लोगों ने गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बारे में, जो बाकी जो आम फ्लू बीमारियाँ इस तरह, इससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। 3 मेल डॉक्टर्स थे, 2 लेडी डॉक्टर्स। हम लोगों ने 26 मार्च को गालिबा ये आगाज़ किया और 26 मार्च से अब तक मुझे डेली तकरीबन शुरू में तो 20-25 पेशेंट और अभी तकरीबन 15 के करीब पेशेंट्स डेली कंसल्टेशन होती है। और ये कंसल्टेशन सिर्फ ये नहीं कि हमारे अपने लोगों की के साथ है, ये कंसल्टेशन मुझे फ़ोन गुजरांवाला से भी आया, मुझे फ़ोन लाहौर से भी आया, मुझे फ़ोन तुरबत से भी आया, मुझे फ़ोन लोरलाई से भी आया कि आप हमें किसी वक्त भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं थी, इसमें वक्त का कोई पाबंदी नहीं था और इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, वो ये अभी भी जारी है और मेरा अपना ज़ाती ये राय है कि ये जारी रहेगा इंशाल्लाह हमारी तरफ से।